एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना चुनाव को लेकर यह दावा किया है कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी इसमें उनकी पार्टी की भूमिका बड़ी होगी। ओवैसी ये भी दावा कर रहे हैं कि वो किंग नहीं बल्कि किंग मेकर जरूरी है और साथ ही 11 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन किंग मेकर है। खुद को किंग मेकर बता रहे हैं, अपनी पार्टी के बड़े रोल की बात कर रहे हैं वो। तेलंगाना चुनाव को लेकर ये बड़ा दावा किया जा रहा है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं और उसी सिलसिले में आज आपको बता दें, दावा उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि तेलंगाना की सरकार में किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आएंगे। क्या कहा है सुनिए। सियासत बच्चों और नादानों का खेल नहीं है। अरे बहुत वक्त लगता है सियासत को सीखने के लिए और कर रहे हैं। अरे आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना, तो तवाज़ुन कुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह कर हूं, जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्त पे आना ले जा सकता हूं।